लालकुआ में पुलिस प्रशासन की बैठक में कहा गया कि आने वाले सभी त्योहार शांति और सौहार्द से मनाए जाएं। इस दौरान हुड़दंग करने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। लालकुआ कोतवाली में आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए अमन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी धर्मगुरुओं के अलावा क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने शिरकत करते हुए शहर के अमन को लेकर चर्चा की। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी संगीता ने होली पर्व पर हुड़दंग मचाने वाले अराजक तत्वों को सख्त चेतावनी देते हुए रंगों के पर्व होली को मिलजुल कर मनाए जाने की अपील की। इसके साथ ही अलविदा की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की बात भी कही। क्षेत्र लालकुआ कस्बे के लोगों को हमने बुलाया था, सभी धर्मों के लोगों को बुलाया था, और एक जिसमें लोगों से अपील की है कि जो आगामी त्योहार है, जिसमें होली है, रमजान है, जुम्मा की नमाज है, इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबसे अपील की है। और साथ ही अगर कोई भी ऐसे असामाजिक तत्व जो समाज में भय का माहौल क्रिएट करते हैं, उनको चिन्हित करने के लिए भी उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है। साथ ही थाने में अगर कभी भी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है तो वह दूर सूचित करें। और इस हमारे सभी त्योहारों में सभी जगह पर लगाई गई है, थाने के सभी चौराहों पर चौकों पर लगाई गई है। इसके साथ ही इलेक्शन के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश स्कूल इस बार की होली के समय रैश ड्राइविंग करेंगे या चलाएंगे या किसी भी प्रकार के जो भी शांति व्यवस्था भंग करेंगे उसमें पुलिस की सतर्कता दी जाएगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।